नमस्कार। पर्पसेस के सत्र में हम एक और पर्पस की चर्चा करेंगे। इससे पहले के कुछ वीडियो में हमने ये चर्चा की पर्पस ऑफ फूड क्यों है, पर्पस ऑफ फूड क्या है, और पर्पस ऑफ क्लोथिंग क्या है, पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है। हर चीज का जीवन में पर्पस यानी कारण अवश्य ही होता है, क्योंकि बिना पर्पस के, बिना कारण के चीजें तो शायद जानवर ही करते हैं। इंसान को भगवान ने, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है विचार करने के लिए, ये सोचने के लिए विवेकपूर्ण काम कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्यों करना है क्या करना है। एंड द क्वेश्चन ऑफ व्हाई एंड हाउ इज अ मस्ट फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट वी डू। और इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा कुछ विषयों पे पहले की है, जैसे मैंने बताया। अभी इस बार पर्पस ऑफ फेस्टिवल ये विचार लेकर के हम इस वीडियो को कर रहे हैं। तो पर्पस ऑफ फेस्टिवल या सेलिब्रेशन अगर है, लोग बोलते सेलिब्रेशन ऐसे ही, उसको कोई रीजन थोड़ी चाहिए। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, उसको कोई रीजन नहीं चाहिए। सेलिब्रेशन आनंद के लिए है, और आनंद तो सदैव रहना है, इसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये आनंद आनंद नहीं है, लोगों का सुख है। क्यों सुख है? आनंद और सुख का फर्क हमने एक पोस्टर में ऑलरेडी बताया है। लेकिन सुख ये भौतिक चीजों को देख के, घटनाओं से होती है कि भाई किसी के घर में कोई बच्चा हुआ उसको सुख होता है, उसका प्रमोशन हुआ उसको सुख होता है, किसी ने गिफ्ट दिया तो सुख होता है, नहीं ये सब हुआ तो दुख होता है। लेकिन आनंद का दूसरा एंटोनिम यानी उसका अपोजिट शब्द ही नहीं है। आनंद एक स्थिति है मनुष्य की, जिसमें वो जीता है। आनंद कोई घटना से नहीं होता है। तो आनंद भिन्न है, सुख और दुख भिन्न है। लेकिन ये सुख के चक्कर में और आनंद को कंफ्यूज कर देता है। तो ये सब जो भी सेलिब्रेशन करता है ये सुख के लिए करता है, जो क्षणिक होता है और जिसका जो पर्पस लेस है, उसको कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च बैकग्राउंड या बेस नहीं होता है। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो उत्सव है, सेलिब्रेशन है, हर एक के पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई कारण है, कोई कथा है, और ये सत्य घटित कथा है। जैसे दिवाली हम मनाते हैं क्यों? भगवान राम लंका से फिर आए थे। दशहरा हम मनाते हैं क्योंकि भगवान राम ने रावण का अंत किया था। होली के पीछे भी कोई कारण है। हर एक के कथा के लिए, हर एक सेलिब्रेशन के पीछे कोई ना कोई कारण है। लेकिन कुछ संस्कृतियां जो अभी अभी उभरी है कुछ शताब्दियों पहले, उनका हम विरोध करते हैं ये बात नहीं है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई कारण वजह तो होए। जैसे 25 दिसंबर नाताल हम मनाते हैं क्यों? क्योंकि भगवान यीशु क्रिस्त जो उनके अवतार हैं, उनका जन्म हुआ था। तो ये तो समझ में आता है कि भाई हम नाताल क्यों मनाते हैं, क्रिसमस क्यों मनाते हैं। लेकिन अभी का जो प्रचलित ट्रेंड चले आ रहा है, जो हम देखते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेन्स डे, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से एक खोज का विषय आया है कि वैलेंटाइंस डे का हम सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, क्या वजह है। आप गूगल करके तो देखिए, जो भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम हमारा टाइम, एनर्जी, मनी स्पेंड कर रहे हैं, उसके पीछे हमको कारण मालूम होना अति आवश्यक है। नहीं तो हम जानवरों की तरह समय और एनर्जी को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। अभी भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में तो प्रतिदिन हम माँ बाप को पैर उनके छूते हैं, माता पिता को वंदन करते हैं, तो हमको अलग से वो दिन मनाने की क्या आवश्यकता है। लोग करते हैं उस दिन तो बड़ा बड़ा स्टेटस, फोटो, ये सब कर देते हैं, लेकिन बाकी साल के दिनों में शायद माता पिता को पूछते भी नहीं। तो क्या ये हमारी संस्कृति है? बिल्कुल नहीं। विषय की ओर फिर से आपको लेकर के आ जाता हूं। वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे थे, तो आपको जो मुझे कथा पता है या जो मैंने सुनी है, पढ़ी है, उसके बारे में आपको बतला देता हूं। वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन सुना है कि संत वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन, पोप वैलेंटाइन के पीछे किया जाता है। अभी कथा क्या है ये आपको मैं बतला देता हूं। कथा कुछ इस प्रकार है कि पाश्चिमिक परंपरा में आज भी लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके यहां पे शादी विवाह ये पारंपरिक नहीं है। यह मान्यता थी कब? यीशु ख्रिस्त के जन्म के 3 शताब्दियां पहले, मतलब 3rd century BC, उसमें यह मान्यता थी। उसमें अनेक विचारक थे, प्लेटो, अरिस्टोटल नाम के विचारक थे। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यह संस्कृति वहां पे पाश्चिमिक देशों में पाए देखी जाती थी। संस्कृति क्या थी कि लोग वहां पे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब कोई भी महिला कोई भी पुरुष के साथ कब जब चाहे तब रह सकते हैं, उनका विवाह का कोई संबंध नहीं था। और शारीरिक संबंध के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, ऐसी उनकी मान्यता थी। शारीरिक सुख के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, ऐसी उनकी मान्यता थी। अब इस मान्यता के उपरांत वो क्या करते थे, जिस भी बच्चे का जन्म होता था वो उसको घर के बाहर रख देते उस बास्केट के अंदर, इस सोच से कि भाई यह बच्चा उनके शारीरिक सुख में विघ्न है।
और इसीलिए उस बच्चे को घर के बाहर रख देते थे। यह परंपरा अनेक सदियों तक चलती आई। और फिर उस बच्चे की देखभाल कौन करते थे कि ये संत परंपरा, उनकी जो चर्च कॉन्वेंट की परंपरा है वो जाके उसको संभालते थे। और फिर उनकी बात तो जो संभालते थे वो फादर हुए, जो संभालती थी वो मदर हुई, और जो उम्र में कम है वो सिस्टर हुई। इस प्रकार से वो गणित बैठता था। अभी आगे की बात यह है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने के कारण, मल्टीपल लोगों के साथ रहने के कारण, संभोग के कारण उनको अनेक अनेक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाते थे, जिसको हम STD कहते हैं, जैसे HIV हो गया और अनेक अनेक प्रकार के रोग हैं वो हो जाते थे। तो उससे प्रजा बहुत, जनता बहुत दुखी होती थी। और जो भी चर्च के हेड होते हैं, फादर हैं या प्रीस्ट हैं, वो एक संत है क्योंकि उन्होंने भी शादी ब्याह नहीं किया है, उन्होंने भी संन्यास का पालन किया है। तो उनको अपने बच्चों को, अपनी जनता को दुखी देख करके दुख होता है। तो चर्च में वो श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन नाम के जो संत थे, पश्चिमी देश के प्रीस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय परंपरा का अभ्यास किया था। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो बाल विवाह ही कर देते हैं, और बाल विवाह करने के कारण उनकी उनकी परंपरा, उनके उनके संबंध रहते हैं, वो दूसरे अन्य स्त्री या पुरुष के साथ संबंध या संभोग नहीं करते, उसके कारण उनको ये बीमारियां नहीं होती है और उनका गृहस्थ आश्रम एकदम सही तरीके से फलता फूलता है। यह देख के उन्होंने इस परंपरा को पश्चिमी देश में लागू करने का विचार किया। और इसलिए हम देखते हैं कि पश्चिमी परंपरा में जो शादी ब्याह होता है वो चर्च में होता है, जैसे आपने फिल्मों में, पिक्चरों में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि उस समाज में उस पद्धति से जो विवाह होता है वो चर्च में होता है, क्योंकि यह परंपरा संत प्रीस्ट वैलेंटाइन ने शुरू की थी, सेंट वैलेंटाइन ने उन्होंने शुरू की थी। तो लेकिन वहां के राजा जो थे उस समय के, वो बहुत विरोध में थे। उन्होंने तो यही परंपरा सीखी थी कि अनेक अनेक रानियों के साथ संभोग करना है, अनेक अनेक लोगों के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना है, और उनको ये बात गले नहीं उतरी। लेकिन ये जो सेंट वैलेंटाइन थे, ये तो अपनी निश्चय पर दृढ़ थे, और इन्होंने गांव गांव घूम के इस परंपरा को बढ़ावा देकर के लोगों की शादियां की। तो लोगों की शादियां की तो उनका जीवन सुखमय हो गया, रोग रहित हो गया, और इसलिए वो बहुत उस सेंट वैलेंटाइन का सम्मान करते थे। लेकिन उस राजा को ये बात पची नहीं, और उस राजा ने अनेक नोटिस देने के बावजूद भी सेंट वैलेंटाइन अपने बात से मुकरे नहीं, और उन्होंने ये काम को जारी रखा। फिर क्या हो गया, एक दिन राजा को बहुत क्रोध आया और उसने फिर सेंट वैलेंटाइन को फांसी पे, सूली पे लटकाने का निश्चय किया। और जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी पे लटकाया गया, उस दिन जिन जिन लोगों को सेंट वैलेंटाइन से फायदा हुआ, जिनका गृहस्थ आश्रम सुखी हुआ, उन सारे कपल्स को बहुत दुख हुआ, और उनकी याद में इन्होंने वैलेंटाइंस डे मनाना शुरू किया। अब मेरे को आप बात बताइए कि पश्चिमी संस्कृति का ये जो टुकड़ा है, ये जो भाग है, इसका हमारी संस्कृति में कुछ लेना देना है, कुछ भूमिका है, हमारे मनाने का कुछ कारण है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो पहले से शादीशुदा ये परंपरा चले जा रही है, अपने अपने बीवी बच्चों के साथ घर में वो परिवार खुशी से सुखमय रहता है, अनेक अनेक लोगों के साथ संभोग की प्रथा हमारे पास तो नहीं है, फिर हमको मनाने का क्या कारण है? यह बात है। और किसी, कोई लोग बोलते हैं कि हम हमारे प्रेम का प्रतीक है, माने प्रेम को हम उस दिन प्रकट करते हैं। तो प्रेम प्रकट करने का 14 फरवरी का दिन हमसे कोई लेना देना उसका है नहीं। आप दिन साल के 365 दिन में से कोई भी दिन प्रकट करो, कोई मनाई थोड़ी रहे। कोई उत्सव हो उस दिन प्रकट कर दो, कोई दूसरा कोई कारण हो उस दिन प्रकट कर दो, जन्मदिन आते हैं, एनिवर्सरी आती है, ये सब चलते रहता है। तो जिस दिन वो सेंट वैलेंटाइन का फांसी पे लटकना हो गया, उस दिन से हमारा यही संस्कृति का क्या लेना देना है, ये विचारणीय बात है। और इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर उससे हमारा कुछ लेन देन नहीं है तो मनाने की क्या बात है। और अगर हम बोलते हैं हमको सभी का सम्मान है, ये है, सब बराबर है, तो पहले हम हमारी संस्कृति के जितने सारे उत्सव हैं, क्षण है जिसको मराठी में बोलते हैं, अगर हमको उसके बारे में पता है तो हम वो मना सकते हैं, उसमें कोई कमतरता थोड़ी ना। इतने उत्सव है, हर महीने में कोई ना कोई उत्सव है हमारी भारतीय सनातन परंपरा में। बस बात इतनी है कि हमको उनके पीछे की कथा, उसके पीछे का कारण पता नहीं है, तो हमको वो तुच्छ लगते हैं, और इसीलिए हम इस पश्चिमी देश की ओर, इनकी संस्कृति की ओर खींचे जाते हैं। इनका विरोध ये हमारा सवाल नहीं है, इनका विरोध ये हमारा मुद्दा नहीं है। बात इतनी है कि अपने अपने संस्कृति का जतन करना ही हमारा हमारा काम है, और इस महान सनातन धर्म और उसके
कल्चर से हम बड़े आए हैं, उभरे आए हैं, तो इतनी पुरातन ये संस्कृति है, इसको छोड़कर के हम नए आए इस बातों में कहां भूले जा रहे हैं। इसीलिए मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, भगवान के लिए, भोग के लिए नहीं है, भजन के लिए है। इस बात को समझते हुए हमारे ऋषि परंपरा में लग्न माने शादी ब्याह करने का हमारी परंपरा है और लिविंग रिलेशनशिप भी हमारी परंपरा नहीं है। इसलिए 14 फरवरी मनाने का कोई विशेष सवाल नहीं आता है, ऐसा मुझे ज्ञात होता है। लोग और मार्केट इसका उपयोग करते हैं, कोई ना कोई ऑफर दिखाते हैं। बिजनेस की लाइन में कोई भी अपना नुकसान करके कोई भी सामान को नहीं बेचता, ये बात समझने की है। लॉ ऑफ सेल इन शब्दों को देख के बह जाते हैं, विचार ही नहीं करते। इसीलिए विचार करने की बात है। कोई बाहर का खाना क्यों खाना, घर में नहीं बनता, आपके गले नहीं उतरता, ये सब पैसे वेस्ट करने के काम है, व्यर्थ समय गंवाने का और ताकत को गंवाने का काम है। हम युवा देश हैं, स्वर्णिम भारत की ओर हमने हमारा काम करना चाहिए, उसमें लगन से अपना अपना समर्पण देना चाहिए और संस्कृति की धरोहर को बढ़ाना चाहिए, यही मैं बोलना चाहूंगा। नमस्कार।